सो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, फिर से स्वागत है आपका इस नए दिन के नए ब्लॉग में देहरादून की नालापानी साइड से। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ वो फेस जिससे आप गुजर चुके हैं और हम अभी भी गुजर रहे हैं। सो आप बने रहें ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताने वाला हूँ कि घर से बाहर रह के रूम पे रह के मतलब स्टडी करने वाले एक बेरोजगार बंदे की लाइफ कैसे होती है। सो वो आज मैं आपको बताने वाला इस ब्लॉग के माध्यम से। सो दोस्तों, मॉर्निंग का सबसे पहले काम होता है हाथ मुँह धो के और ख़ुद के लिए नाश्ता तैयार करना। तो नाश्ते में सुबह हर कोई रोटी खाता है, तो रोटी कितनी टफ होती है बनाने वो लड़के लोग जानते हैं और आपको पता होगा ही, क्योंकि आप में से कहीं भाई लोग भी रूम पे रहते होंगे और ख़ुद के लिए नाश्ता बनाते होंगे, तो रोटी बनाना कितना टफ है वो आपको पता होगा ही। पर कोई नहीं, जब बना बना के आदमी सीख लेता है, तो मैं भी सीख गया एक दिन। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी रोटी बन रही है। सो बहुत ही टफ है, माँ के हाथ की रोटी कुछ अलग ही होती है, अपनी अलग ही होती है, पर कोई नहीं। सो दोस्तों, अभी रोटी बन चुकी है और अभी हम रोटी खा रहे हैं, और कल रात की सब्जी बची थी और रोटी बनाई, तो अभी रोटी खा रहे हैं और रोटी खा के निकल रहा है कोचिंग। सो रोटी खा के मिलते हैं आपको। सो दोस्तों, अभी निकल चुके हैं हम कोचिंग के लिए और बस थोड़ी आ गया कोचिंग, 5 मिनट का रास्ता, और बताते हैं आपको कोचिंग में जाके। सो दोस्तों, फाइनली अभी मैं कोचिंग में पहुंच चुका हूं, और आज यह सैटरडे, तो आज टेस्ट होने वाला है, और आप क्लास में देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। सो दोस्तों, अभी आ चुका हूं कोचिंग से, और कोचिंग से कमरे पर आके सबसे पहले सवाल रहता है कि खाने में आज क्या बनेगा, क्योंकि दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है कि क्या बनाएं, और साग पता नहीं कमरे में तो मतलब ढूंढना पड़ता है कि क्या बनाया जाए। सो अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, कोई आइडिया नहीं है अभी। तो देख सकते हो दोस्तों, अपने कपड़े अपने आप धोने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, रूम में रहना है तो क्या कर सकते हैं कि नहीं, घर में रहना है, घर में तो मम्मी धो लेती है, पापा मुझे ऐसा है कि अपने आप धोने पड़ते हैं। तो बस यही कार्यक्रम है, अभी धोते हैं और फिर भी आपको धो देते हैं। सो दोस्तों, दिमाग लगा लुका के लास्ट में अभी तय हुआ है कि दाल बनानी है, तो दाल बना रहे हैं, क्योंकि जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में ऑप्शन रहता है कि दाल बनाई जाए, क्योंकि रूम पे ज़्यादा दाल ही रहती है तो दाल बाद बनाएंगे। सो दोस्तों, सबसे ज़रूरी होती है पढ़ाई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ अर्क हैं, अगर वो चीज़ ना हो तो जीवन व्यर्थ है। तो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद और चीज़ तो होती रहती है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी रूम पर रहती हो तो प्लीज़ टाइम निकाल के पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम अर्क हैं वो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी शाम के और अच्छे है और पानी आने वाला था, जो पानी पे जाता उससे हमने बर्तन धो लिए हैं, अब पानी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। और यहाँ पे भरते हैं पानी, यहाँ पे आता है पानी, बाकी बर्तन यहाँ पे धोते हैं, और ये है टॉयलेट बाथरूम। सुधरदन में हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो अभी हम चाय बना रहे हैं, शाम का टाइम है और थोड़ा चाय बना रहे हैं। अब से एक बार बना रहा है चाय, बहुत ही टेस्टी चाय बनाता है। सो अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम हमेशा शाम को जाते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, और हमेशा इसलिए जाते हैं क्योंकि मतलब अगर 2-3 किलो अगर एक साथ लाएंगे तो वो सड़ जाता है, इसलिए हर दिन जाते हैं और थोड़ा थोड़ा लाते हैं, वो उसमें ताज़ा भी रहता है और अलग अलग सब्ज़ी भी बन जाती है। तो अभी थोड़ा मार्केट जाते हैं और देखते हैं नई सब्ज़ी क्या आई है मार्केट में। और यहाँ पर दिवाली का सामान भी आप देख सकते हो, लगभग दिखने लग चुका है फुल। सो दोस्तों, फाइनली हम लाए सब्जी में तोरी, क्योंकि 1 बजी थी कल की, तो उसी के साथ इनका भी कर लेंगे यूज, नहीं तो वो ख़राब हो जाती।
सो दोस्तों अभी फुल अंधेरा हो चुका है और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने आपको कुल मिला के एक बेरोजगार बंदे की लाइफ बताई, जो कुछ भी मेरी लाइफ में होता है वो मैंने आपको एक ब्लॉग के माध्यम से रखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।